सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, अपने आप स्क्रीन के ऊपर अपने जो भी मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी आपने खोला हुआ जिससे मेरी आप वीडियो देख रहे हो, अपनी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ब्लैंक स्क्रीन देख रहे होंगे, व्हाइट स्क्रीन देख रहे होंगे दोस्तों, और ऊपर आप एक लिंक देख रहे होंगे recruitment.itbpolice.in। तो गाइस, आपको मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि ITBP कॉन्स्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट आ चुका है। और गाइस, आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितनी गई है, एक्सपेक्ट क्या किया था और क्या हुआ। कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी खबर भी है। तो गाइस, सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी को मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि कितने पर सिलेक्शन हुई है जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके 88 नंबर हैं और उनका डिसक्वालीफाइड आ रहा है, यानी कि नॉट क्वालिफाइड। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके 90 नंबर हैं जनरल में, तो वो है क्वालिफाइड। ठीक है, तो 90 नंबर है यानी कि जनरल पे कट ऑफ लगी, 90 नंबर पे क्वालिफाइड किया गया है। बाकी गाइस मैं आपको बताता हूँ, OBC वगैरह 77 वाले भी ही आई थिंक नहीं हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस कट ऑफ का मार्जिन बहुत ही ज़्यादा गया है दोस्तों। और आपको मैं यह बताऊँ कि जो कट ऑफ है ये मेन कट ऑफ नहीं है, आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों आपको पता ही है कि कट ऑफ फिर से निकलती है। तो गाइस ये कट ऑफ लगभग जाएगी 91 या फिर 92 फॉर जनरल कैटेगरी गाइस। ठीक है, एक्स सर्विस मैन, SC ST, इनका मेरे पास कोई अभी तक डिटेल नहीं है, क्योंकि गाइस मैं जब लाइव आया था तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था कि सर कि अभी रिज़ल्ट आ चुका है। तो गाइस मेरे नंबर थे 78 और मैं भी नॉट क्वालिफाइड हूँ गाइस, क्योंकि गाइस क्वालिफाइड हुआ है 90 नंबर वाला, तो 78 कहाँ दोस्तों, 12 नंबर कम है। ठीक है, तो कहाँ होगा क्वालिफाई। तो गाइस कट ऑफ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गई है, हाई लेवल, हाई कट ऑफ गई है गाइस, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस, कि नॉट एक्सपेक्टेड था दोस्तों, नॉट एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ इतनी जाएगी। पर गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, वो ITBP की मर्ज़ी है। सभी सब दोस्तों एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मिनिमम कट ऑफ 75 पे लगेगा, 70 पे लगेगा मिनिमम गाइस, ये था कि 70 वाले बच्चे क्वालिफाइड होंगे, 70 से 75 भी। पर गाइस यहाँ तो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, सीधा 90 गाइस। इन्होंने बताओ क्या किया, इन्होंने जो मेन कट ऑफ होती है ना, मेन कट ऑफ जो निकलती है, उन्होंने सीधे ही अभी से ही मेन कट ऑफ निकाल दी है। ठीक है, मेरे बात को अगर आप समझ रहे हो दोस्तों, जो मेन कट ऑफ होती है उन्होंने अभी से ही मेन कट ऑफ निकाल दी है। लेकिन दोस्तों मेन आप कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल होना, उसके बाद भी आपको पता कट ऑफ निकलती ही निकलती है गाइस। तो गाइस अभी भी दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, अभी तक इसकी वेबसाइट नहीं चल रही है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस मेरे पास दो ही अभी तक ऑप्शन, अभी दो ही है मेरे पास अभी कैटेगरीज की कट ऑफ आई है, जनरल की 90 एंड गाइस OBC की 77 या 78 के ऊपर भी क्वालिफाइड नहीं था। आई थिंक OBC की गाइस मेरे हिसाब से 85 के आसपास होगी। जिन बच्चों की दोस्तों कट ऑफ आ चुकी है, जिन बच्चों का भी क्वालिफाइड है दोस्तों, तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा और अपनी कट ऑफ बताइएगा, और साथ में दोस्तों ये भी लिख देना कि आप कट आपके जो कितने नंबर थे और आप क्या क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। ठीक है, साथ में दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी भी लिखनी है, अपनी कैटेगरी, अपने नंबर और आप क्वालिफाइड हो या ना हो ये जरूर लिखना दोस्तों। मैं यहीं से आंकड़े लूँगा दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी। बाकी दोस्तों अचानक जाने की बात ये है कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है दोस्तों, 218 पोस्ट हैं प्लस दोस्तों 90 पोस्ट और जुड़ी हुई हैं, जो कि दोस्तों आपको पता है वैकेंसी में खाली रहती हैं, बैकलॉग रहता है। तो 95 वैकेंसी गए ये, इसमें से लगभग दोस्तों 45 से 50 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि जो बच्चे बेटिंग में होते हैं उनके लिए दोस्तों वैकेंसी थोड़ी सी खोलते हैं। ठीक है, तो जो जिन बच्चों का हो चुका है तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत ही अच्छी जॉब है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें आपके बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन, बहुत जल्दी प्रमोशन होने के चांसेस रहते हैं। बाकी जिन बच्चों की नहीं हुई दोस्तों कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, मेरा भी नहीं हुआ गाइस तो मैं बेस्ट ऑफ लक ये कहना चाहूँगा गाइस। बाकी दोस्तों आपको पता ही होगा कि यार आपके नंबर कहाँ कम है, क्योंकि धोखाधड़ी वाले केस तो आपके आई थिंक दोस्तों के मुझे तो लगता नहीं कि हुआ होगा, अगर हुआ भी हुआ होगा दोस्तों तो अब क्या कर सकते हैं, रिजल्ट तो आ चुका है। ठीक है, बाकी मेहनत कीजिए गाइस, इसके आपको पता है वैकेंसी निकलती ही रहती है, ITBP की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, ये ऑल इंडिया में तो कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, तो मैं एक आशा करूँगा दोस्तों कि जिन बच्चों ने अभी दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के भी फॉर्म निकले आप भर सकते हो, 10th पास वाले बच्चे, और BSF के फॉर्म चल रहे हैं गाइस अभी, BSF हेड कॉन्स्टेबल के भी फॉर्म चल रहे हैं, RO के, जिन बच्चों ने 12th पास किया या फिर डिप्लोमा या फिर ITI किया है तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन का बात ये रहा कि टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों आपको मैंने कट ऑफ बता ही दिया कि कट ऑफ कितना गया, बाकी और कोई अन्य अपडेट दोस्तों मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों आश्चर्यजनक कट ऑफ निकला यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि इतना कट ऑफ निकलेगा, इतना ज़्यादा कट ऑफ निकलेगा यार, कि एक्सपेक्ट नहीं किया था।
बाकी गाइस और कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। बाकी जो मेरे चैनल को इस समय फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट्स आते हैं आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत।